हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयूर कलरिया और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोटेक्निक चैनल, जिसमें हम सीखने वाले हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर वाइंडिंग डिजाइन। तो शुरू करते हैं 24 स्लॉट 1500 आरपीएम सिंगल लेयर इंडक्शन मोटर स्टेटर वाइंडिंग डिजाइन। तो पहले हम पोल फाइंडिंग करेंगे। पोल फाइंड करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, एन इज इक्वल टू 120 f/p। एन हमारा आरपीएम है और एफ हमारी फ्रीक्वेंसी है और पी हमारा पोल है। पोल फाइंडिंग करने के लिए पी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पी इज इक्वल टू 120 f/n। फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है और 1500 आरपीएम है, तो उसके हिसाब से पी होगा 120 × 50/1500। तो उसके हिसाब से पोल हमारा आएगा 4। अब हम फाइंड करेंगे टोटल कॉइल। टोटल कॉइल इज इक्वल टू स्लॉट बाय 2। सिंगल लेयर वाइंडिंग के लिए हम 2 लेंगे, डबल लेयर वाइंडिंग के लिए हम 1 लेंगे। टोटल कॉइल हम इज इक्वल टू 24/2। टोटल कॉइल हमारी आएगी 12। अब हम फाइंड करेंगे कॉइल पिच। कॉइल पिच की एक सिंपल फॉर्मूला है, कॉइल पिच इज इक्वल टू स्लॉट डिवाइड बाय पोल। स्लॉट हमारा 24 है यहाँ पे और पोल हमने फाइंड किया 4। तो कॉइल पिच हमारी होगी 24/4। कॉइल पिच आएगी 6। अब हम फाइंडिंग करेंगे स्लॉट पर पोल पर फेज। स्लॉट पर पोल हमने फाइंड किया 6, तो फेज हमारा 3 है। स्लॉट पर पोल पर फेज हमारा आएगा 6/3, यानी के 2 का। अब हम फाइंड करेंगे फेज एंगल। फेज एंगल इज इक्वल टू 120 × coil pitch / 180। तो थ्री फेज के लिए हम 120 लेंगे और सिंगल फेज के लिए 90 डिग्री लेंगे, ठीक है। फेज एंगल हमारा आएगा 4 स्लॉट का। अब हम शुरू करेंगे वाइंडिंग डिजाइन करने के लिए। पहले हम स्लॉट ड्रॉ करेंगे। फेज एंगल हमारा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तीनों के तीनों फेज के डिफरेंस सेम रहना चाहिए। डिफरेंस सेम रहा तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो अच्छी तरह से प्रोड्यूस होगा। आर फेज हमारा आएगा 1 से लेकर 6 तक, क्योंकि हमारी कॉइल पिच है 6। आर फेज फर्स्ट कॉइल ड्रॉ करेंगे। सेकंड कॉइल हम वहां से, फर्स्ट कॉइल फिनिश होती है वहां से शुरू करेंगे, मींस के 7 से लेकर 12 तक। और थर्ड कॉइल हमारी आएगी 13 से लेकर 18 तक। फोर्थ कॉइल आएगी हमारी 19 से लेकर 24 तक। वैसे हम चारों कॉइल ड्रॉ कर देंगे। अब हम उसका स्टार्ट और एंड दोनों कनेक्शन चारों कॉइल का खींच लेते हैं, ताकि हमें कनेक्शन करने में इजी रहे। हम कनेक्शन करना शुरू करते हैं। आर कॉइल की फर्स्ट कॉइल का स्टार्ट है, उसको हम U1 नाम देंगे। और आर कॉइल का एंड है फर्स्ट कॉइल का, उसको हम सेकंड कॉइल की एंड से कनेक्ट कर देंगे। और सेकंड कॉइल का स्टार्ट है, उसको हम थर्ड कॉइल की स्टार्ट से कनेक्ट कर देंगे। थर्ड कॉइल का एंड है, उसको हम फोर्थ कॉइल की एंड से कनेक्ट कर देंगे। फोर्थ कॉइल का स्टार्ट है, उसको हम U2 नाम देंगे, जो कि हमारा आउटपुट रहेगा। स्टार्ट को स्टार्ट से और एंड को एंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब हम शुरू करेंगे वाई फेज। तो वाई फेज के लिए हमें फेज एंगल देखना पड़ेगा। फेज एंगल हमारा 4 है। आर फेज हमारा 1 से शुरू हुआ था, तो वाई फेज हमारा 1+4 से शुरू होगा, यानी कि 5 से। तो 5 से लेकर 10 तक हमारा वाई फेज की फर्स्ट कॉइल रहेंगी। कॉइल पिच हमारी 6 है। तो फर्स्ट कॉइल हम ड्रॉ करते हैं। तो सेकंड कॉइल हमारी आएगी 11 से लेकर 16 तक। थर्ड कॉइल आएगी हमारी 17 से लेके 22 तक। फोर्थ कॉइल आएगी हमारी 23 से लेके 4 तक। हम चारों को चारों कॉइल ड्रॉ कर देते हैं।
अब हम कनेक्शन खींच लेते हैं स्टार्ट और एंड दोनों चारों कॉइल का। फर्स्ट कॉइल का स्टार्ट है उसको हम नाम देंगे V1 और एंड को एंड से और स्टार्ट को स्टार्ट से कनेक्ट करते हैं सक्सेसिव कॉइल का। और जो फोर्थ कॉइल का स्टार्ट है उसको हम नाम देंगे V2 क्योंकि हमारा फाइव फेस का आउटपुट रहेगा। अब हम शुरू करेंगे बी फेस ड्रॉ करने के लिए। तो बी फेस हमारा शुरू होगा वाई फेज ऐसे शुरू हुआ था तो फेज एंगल हमारा 4 है तो 5+4 यानी के 9। बी फेज हमारा शुरू होगा 9 से लेके 14 तक हमारा फर्स्ट कॉइल रहेगा। हमारी बी फेज की सेकंड कॉइल आएगी 15 से लेके 20 तक। थर्ड कॉइल आएगी 21 से लेके 2 तक। फोर्थ कॉइल हमारी आएगी 3 से लेके 8 तक। तो हम चारों कॉइल ड्रॉ कर देते हैं। अब हम उसका कनेक्शन खींच लेते हैं स्टार्ट और एंड दोनों। और फर्स्ट कॉइल का स्टार्ट है उसको हम नाम देंगे W1 क्योंकि हमारा इनपुट रहेगा बी फेज का। स्टार्ट को स्टार्ट और एंड को एंड हम कनेक्ट कर देते हैं चार कॉइल का। सक्सेसिव कॉइल है उसका ही कनेक्ट करना है ठीक है। फोर्थ कॉइल का स्टार्ट है उसको हम नाम देंगे W2 क्योंकि हमारा बी फेज का आउटपुट रहेगा। तो हमारा वाइंडिंग कंप्लीट हो गया है। इसे हम तो कर सकते हैं 24 स्लॉट का सिंगल लेयर वाइंडिंग। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।